नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं आपके साथ पिंकी राठौर। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। ग्यारसपुर के हैरतगढ़ में मानसरोवर कावड़ यात्रा प्रवेश करते ही भव्य स्वागत किया गया। वहीं पूरे हैरतगढ़ में मुख्य मार्ग से डीजे की धुन पर युवा ठिठकते नजर आए। मरुड़िया मंदिर वरवाई के मुख्य मार्ग पर पत्रकार साथियों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मानसरोवर कावड़ यात्रा लगातार 9 वर्षों से निकाली जा रही है, जो कि बोरास घाट से मानसरोवर तट पहुंचकर कमलेश्वर महादेव मंदिर पर मां नर्मदा जी का जल अभिषेक करते हैं। इस यात्रा में 85 लोगों का जत्था एवं जो सोमवार को मानसरोवर ग्यारसपुर तट पर पहुंचकर अभिषेक किया जाएगा। स्वागत करने वालों में हैरतगढ़ के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार बंधु मौजूद भी रहेंगे। विदिशा से संवाददाता रितेंद्र अहिरवार की खास रिपोर्ट। जो लगातार ग्यारसपुर से निकल रही है, बोरास घाट से ग्यारसपुर पहुंचती है मानसरोवर घाट, तो कितने क्या इसमें श्रद्धालु शामिल होते हैं और कहाँ कहाँ इसका ठहराव होता है, कितने दिनों में पहुँचती है, कहाँ कहाँ अभिषेक करते हैं नर्मदा मैया का जल, बताएं। ये हमारी कावड़ यात्रा ग्यारसपुर से बोरास घाट के लिए विगत 9 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हमारे कम से कम 100 श्रद्धालु हर वर्ष इसमें सहयोग लेते हैं, धर्म लाभ लेते हैं। और यहाँ से जब हम 5 दिन पहले यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से जगह जगह रुकते हुए, जैसे कि पहला हमारा जो स्टाफ होता है वो हमारा बिचौली में होता है, दूसरा करमोदी में होता है और तीसरा हमारा उड़दमऊ में हुआ और आज चौथा दिन जो हमारा है आज यहाँ खिरिया में रुके हुए हैं हम। और सुबह हमारी जो कावड़ यात्रा यहाँ से ग्यारसपुर के लिए प्रस्थान करेगी। ग्यारसपुर के लिए बहुत अच्छा ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी निस्वार्थ भाव के यहाँ पूरा गाँव इसमें उमड़ के और धर्म लाभ लेता है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आप KKR न्यूज़ के साथ।